न्यूज तक अब नए अंदाज में। पिछले कुछ दिनों से बीसीसीआई, विराट कोहली और रोहित शर्मा, ये तीन किरदार जो हैं इनको लेकर काफी ज्यादा चर्चाएं चल रही हैं। कभी रोहित शर्मा की फिटनेस को लेकर, कल हमने देखा किस तरह से बवाल मच गया था कि अचानक से ये घोषणा होती है कि रोहित शर्मा साउथ अफ्रीका दौरे पर टेस्ट सीरीज का हिस्सा नहीं होंगे क्योंकि उनको हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई है। और ये पहले खबर आई थी कि उंगली में चोट लगी, उसके बाद सडनली हैमस्ट्रिंग की इंजरी हो गई। चलिए, इस पर बवाल मचा। अब वो बवाल थमा नहीं था कि अब बात होने लगी विराट कोहली को लेकर कि विराट कोहली जो हैं वो ओडीआई सीरीज का हिस्सा नहीं होंगे। अब जब इस पर बवाल बढ़ा और मामला तूल पकड़ने लगा तो बीसीसीआई ने भी इस पर अपना रिएक्शन दिया है। क्या वाकई में एक खींचातानी चल रही है इन दो दिग्गजों के बीच, और अगर चल रही है तो बीसीसीआई इसमें क्या कर रही है, या यूं कहें वो क्या क्या नहीं कर रही है, ये बड़े सवाल हैं। आपको बता दें कि 26 दिसंबर से 3 मैचों की टेस्ट सीरीज भारत और साउथ अफ्रीका के बीच होनी है, साउथ अफ्रीका में ये सीरीज खेली जानी है। 19 जनवरी से 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जानी है। आज सुबह सूत्रों पर आधारित खबरें चल रही थी कि विराट कोहली एक दिवसीय श्रृंखला का हिस्सा नहीं होंगे। बता दें कुछ ही दिन पहले कोहली को वनडे की कप्तानी से हटाया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार टीम इंडिया के टेस्ट कप्तान विराट कोहली ने बीसीसीआई से कहा कि वो जनवरी में परिवार के साथ समय बिताना चाहते हैं और अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे। अब ऐसा हुआ तो T20 वर्ल्ड कप के बाद ये दूसरा मौका होगा जब कोहली एक ब्रेक लेंगे। इससे पहले वो न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज और पहले टेस्ट में भी नहीं खेले थे। अब उन्होंने फिर से ब्रेक मांगा है, इसका मतलब है कोहली एक बार फिर से ब्रेक पर होंगे। हालांकि इस सब को सोशल मीडिया पर ईगो वॉर के तौर पर देखा जा रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि रोहित शर्मा ने कोहली की कैप्टेंसी में टेस्ट सीरीज खेलने से मना कर दिया है और कोहली ने रोहित की कैप्टेंसी में ओडीआई सीरीज खेलने से मना कर दिया है। अब देखिए, बीसीसीआई के रिएक्शन आने लगे हैं जैसे ही ये जो मामला है बवाल बन गया और मामला तूल पकड़ने लगा। तीन तरह के रिएक्शन आपको बताएंगे। दो रिएक्शन तो ऐसे हैं जो इस पूरे मामले को डाउन प्ले कर रहे हैं। पहले एक बीसीसीआई ऑफिशियल ने कहा मीडिया को कि ऐसा कुछ भी नहीं है, विराट कोहली ओडीआई सीरीज खेलने वाले हैं। फिर बीसीसीआई ट्रेजरर अरुण कुमार धूमल ने कहा कि विराट और रोहित के बीच कोई भी मनमुटाव नहीं है और जहां तक उनकी नॉलेज है बीसीसीआई को विराट कोहली ने ओडीआई कप्तानी से हटाए जाने से पहले ही ये बता दिया था, ये कन्वे कर दिया था, इच्छा जाहिर कर दी थी कि वो ओडीआई सीरीज नहीं खेलना चाहते हैं, वो ब्रेक लेना चाहते हैं। और अब इसके बाद एक और जो है सुनने में आ रहा है कि बीसीसीआई ऑफिशियल ने कहा है कि ये सब जो चल रहा है वो बहुत ही गलत है और विराट कोहली काफ़ी ज़्यादा सेल्फिश हो रहे हैं। इस अधिकारी ने आगे कहा कि साउथ अफ्रीका दौरे के बाद बीसीसीआई दोनों कप्तान के साथ बैठेंगे और आगे का रास्ता निकालेंगे। कोहली को वनडे की कप्तानी से हटाने का फैसला टीम के हित के लिए लिया गया था और विराट को इस तरह से नहीं रिएक्ट करना चाहिए था। उन्होंने टीम के लिए इतना कुछ किया है और उन्होंने हमेशा टीम को प्राथमिकता दी है, इसका असर टीम पर नहीं पड़ना चाहिए। बता दें कि सोमवार को बवाल तब मचा जब रोहित शर्मा के टेस्ट सीरीज न खेलने के पीछे उनकी चोट बताई गई। टीम की रवानगी से पहले ही उन्हें हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई जिसकी वजह से उन्हें बाहर बैठना होगा। इस बात की जानकारी सोमवार शाम बीसीसीआई की तरफ से एक ईमेल के जरिए दी गई थी। अब विराट कोहली को लेकर बताया जा रहा है कि करीब एक हफ्ते पहले विराट कोहली ने भी बोर्ड को बता दिया था कि वो वनडे सीरीज में चयन के लिए उपलब्ध नहीं है। कहा जा रहा है कि विराट कोहली की बेटी का जनवरी में पहला जन्मदिन है और शायद इसलिए वो ब्रेक चाहते हैं। रविवार को ये भी खबर आई थी कि विराट कोहली नेट प्रैक्टिस के लिए बुलाए गए थे लेकिन वो नेट प्रैक्टिस करने नहीं आए। इस सब को देखते हुए पूर्व भारतीय कप्तान अजहरुद्दीन ने भी रिएक्ट किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, विराट कोहली ने इस बात की सूचना दी है कि वो वनडे सीरीज के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे और रोहित शर्मा अगली टेस्ट सीरीज खेलने के लिए उपलब्ध नहीं है। ब्रेक लेने में किसी तरह की बुराई नहीं है लेकिन वक्त इससे बेहतर हो सकता था। इससे जो मनमुटाव की बातें हैं उनको हवा मिल गई है। इन दोनों में से कोई भी क्रिकेट के किसी प्रारूप को नहीं छोड़ेगा। अब देखिए, दिलचस्प होगा बुधवार का दिन क्योंकि विराट कोहली मीडिया का सामना करने वाले हैं। साउथ अफ्रीका दौरे के लिए रवाना होने से पहले कोच और कप्तान मीडिया के साथ बातचीत करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम तरह के सवाल पूछे जाएंगे विराट कोहली से और यकीनन कुछ ना कुछ जो है वो हमको सुनने को मिलेगा भारतीय टेस्ट कप्तान से। और क्या कुछ नया ट्विस्ट आएगा इस पूरे मामले में वो भी देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। इसलिए आप हमारे साथ ज़रूर बने रहिए न्यूज़ तक पर।